आज हम बात करने वाले हैं ऐसे अपडेट के बारे में जो शायद आपका गेमिंग एक्सपीरियंस चेंज कर दे। बट क्या आपको अभी iOS 18 अपडेट करना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में, सो मेक श्योर यू स्टे अराउंड। और सबसे पहले इस अपडेट को मैंने टेस्ट किया है iPhone 15 Plus में एंड FPS मीटर के साथ आपको यहाँ पे गेम प्ले भी दिख रहा होगा, तो आप खुद से भी जज कर पाएंगे। देखो, iOS 18 आया है नए फीचर्स के साथ, बट गेमिंग की परफॉर्मेंस में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आई हैं। अनएक्सपेक्टेड तो नहीं, बट मेरे फोन पे वो चीजें पहली बार आई। BGMI जैसे हैवी गेम्स के लिए तो परफॉर्मेंस ही सब कुछ होता है, राइट? बट जैसे मैंने अपने iPhone 15 Plus पर अपडेट को टेस्ट किया, मुझे कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिले जो शायद आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस ड्रॉप हो सकती है गेम के बीच में, और बैटरी लाइफ, हीटिंग इश्यूज, स्लो चार्जिंग, इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और हाँ, एक और चीज हो रही है। ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करने का तुम लोगों को करने का है, अपन का टेक्निक बताएगा। कि अपडेट करने के बाद फोन की डिस्प्ले ही खराब हो जाती है, ग्रीन स्क्रीन हो जाती है पूरी। इतने सारे क्वेश्चन है, लेकिन जवाब इसी वीडियो में मिले। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपसे आगे की वीडियोस मिस हो जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो कि iOS 17 के बाद ये अपडेट आपके BGMI एक्सपीरियंस को अपग्रेड करेगा या डाउनग्रेड, तो चलो सस्पेंस को खत्म करते हैं और डीप डाइव करते हैं इन टेस्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस जब मैंने iOS 18 को इंस्टॉल किया। अलग अलग फोन्स में अलग अलग साइजेस के अपडेट्स आ सकते हैं। मेरे iPhone 11 पे 6GB का अपडेट था एंड iPhone 15 Plus में 4GB का अपडेट था। लेकिन अपडेट के बाद मैंने जो सबसे पहले चेंज नोटिस किया वो था UI का स्मूदर होना। बट विजुअल चेंजेस असाइड, माय फोकस वाज ऑन BGMI परफॉर्मेंस। सो मैंने क्विकली अपना गेम सेटअप किया, BGMI हाई सेटिंग्स पे खेला, ग्राफिक्स सेट टू HDR एंड फ्रेम रेट एट 60 FPS, और एक बात, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन रखी ताकि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस देख पाऊं पोस्ट अपडेट। अब जो मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करने वाला हूँ वो बेस्ड है मल्टीपल राउंड्स के गेमिंग पर iOS 18 के साथ। तो अब बात करते हैं कोर गेमिंग परफॉर्मेंस की। iOS 18 इंस्टॉल करने के बाद मैंने BGMI को टेस्ट किया अपने iPhone 15 Plus पे, और जो रिजल्ट्स मिले वो काफी मिक्स्ड थे। परफॉर्मेंस के मामले में FPS कंसिस्टेंसी तो सेम ही थी, 60 FPS मेंटेन्ड रहा जैसे पहले था iOS 17 पे भी। स्मूथ गेम प्ले, नो लैग्स, फ्रेम ड्रॉप्स तभी होते हैं जब जंप बटन हम प्रेस करते हैं, वो iOS 17 पे भी होते थे क्योंकि BGMI का इशू है। बाकी फाइट्स के टाइम एंड जब आप प्रॉपरली उतर जाओगे उसके बाद फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होते हैं, बिल्कुल स्टेबल परफॉर्मेंस मिल रही है iOS 18 में भी। जब मैंने iOS 17 यूज किया था तो लॉन्ग गेमिंग सेशन में बैटरी ड्रेन वॉज डिसेंट, बट iOS 18 के बाद मैंने नोटिसेबल बैटरी ड्रॉप देखा। अब ऐसा लग रहा है कि बैटरी थोड़ा ज्यादा ड्रेन हो रही है, इतना ज्यादा नहीं बट पहले से ज्यादा हो रही है। और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, गेमिंग कम्युनिटी में भी सिमिलर फीडबैक आ रहे हैं। काफी लोग रेडिट और ट्विटर पे भी पोस्ट कर रहे हैं कि बैटरी लाइफ iOS 18 के बाद सिग्निफिकेंटली वॉर्स हो गई है, स्पेशली गेमिंग सेशन के दौरान। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूजर शेयर कर रहे हैं कि बैकग्राउंड एप्स भी थोड़ा ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं आफ्टर द अपडेट। अब मैंने इंस्टाग्राम पे भी कुछ स्टोरीज देखी हैं लोगों की जो अपना iOS 18 एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, उन्होंने भी हीटिंग और बैटरी ड्रेन के इश्यूज को रिपोर्ट किया है। हर आईफोन मॉडल पे एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट काफी लोग सेम कंप्लेंट शेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर हैवी गेमिंग। नाउ लेट्स एड्रेस वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, हीटिंग। मैं जब iOS 17 यूज करता था फोन काफी कूल रहता था इवन ड्यूरिंग लॉन्ग गेमिंग सेशंस, लेकिन iOS 18 के बाद जब 30-40 मिनट्स तक कंटिन्यूसली BGMI खेला तो नोटिसेबल हीट फील होने लगी थी। बैटरी ड्रॉप का भी इशू हुआ था ड्यू टू थर्मल थ्रॉटलिंग। जब फोन ज्यादा हीट करता है आपकी डिस्प्ले अपने आप ब्राइटनेस को रिड्यूस कर लेती है ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल में रखा जा सके। ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है जब आप गेमिंग पे फोकस कर रहे हो और अचानक से ब्राइटनेस गिर जाए। और पता है, इस वाले फोन के ऊपर मैंने पहली बार ब्राइटनेस ड्रॉप देखी iPhone 15 Plus में। अभी तक मेरे फोन में कहीं पे भी ब्राइटनेस ड्रॉप मैंने नहीं देखी थी, iOS 17 में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसे ही iOS 18 पे मैंने अपडेट किया, वैसे ही जब गेम को खोला तो फर्स्ट गेम पे भी मेरे को ब्राइटनेस ड्रॉप देखने को मिला। देन जब अपडेट को कुछ आवर्स हो चुके थे उसके बाद मैंने गेम को खेला तो वहां पे मेरे को कोई ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। अपडेट करने के तुरंत बाद ब्राइटनेस ड्रॉप देखने को मिली थी बट उसके बाद ऐसा कुछ नहीं मिला। एक और बड़ा इशू जो मैंने पर्सनली नोटिस किया वो था चार्जिंग स्पीड। iOS 17 के टाइम पे जब मैं अपना फोन चार्ज करता था तो रिलेटिवली फास्ट होता था, स्पेशली जब मैं 20 वॉट का चार्जर यूज करता था। लेकिन iOS 18 के बाद चार्जिंग नोटिसिबली स्लो हो गई है। मैंने टेस्ट किया कि मेरे फोन को 20-80% चार्ज होने में पहले 40-45 मिनट लगते थे और अब 55-60 मिनट्स ले रहा है। अभी परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिकल नहीं है बट अगर आपको फोन फ्रीक्वेंटली चार्ज करना होता है तो ये चीज आपको थोड़ा इनकन्वीनियंट लग सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर सकते हो, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एप्पल की हिस्ट्री रही है कि हर मेजर अपडेट के इनिशियल स्टेजेस में कुछ बग्स और इश्यूज आते हैं। अगर हम iOS 17 को याद करें,
उसमें भी इनिशियल स्टेजेस में इश्यूज थे जो बाद में पैचेस के थ्रू फिक्स करे गए। मेरा गैस है कि जो हीटिंग और बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है वो फ्यूचर iOS 18.4 या iOS 18.5 अपडेट्स में रिजॉल्व हो जाएंगी। एप्पल यूजुअली काफी एक्टिव होता है इन फिक्सिंग सच गेमिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली सिंस BGMI जैसा पॉपुलर गेम लैग करना उनका ब्रांड के लिए अच्छा नहीं होता। अब जिन लोगों ने iOS 18 पर अपडेट कर दिया है और उनको अपडेट अच्छा नहीं लग रहा है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। तो अगर आपको लगता है कि iOS 18 के बाद जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं वो अनबियरेबल है तो एक सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आईफोन को डाउनग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये जो ऑप्शन है वो लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होता है। अब आज 18 सितंबर को मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप लेट देख रहे हो तो शायद आपको ये ऑप्शन ना मिले क्योंकि एप्पल अनसाइन कर देता है अपने पुराने वर्जन्स को, फिर आप उसको डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी आप डाउनग्रेड कर सकते हो। तो अगर आप डाउनग्रेड करना चाहते हो तो अभी का टाइम बेस्ट है। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है जिसमें A to Z फ्री मेथड सिखाया हुआ है, बाकी लोग पेड सिखाते हैं बट फ्री मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। बाकी मैंने लिंक दे दिया उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया है कि कैसे डाउनग्रेड करें विदाउट लूजिंग डेटा। सो अगर आप चाहते हो डाउनग्रेड करना तो वो वीडियो चेक कर लेना। सिंपल है, अभी आपके पास 7 डेज का टाइम है, आप 3-4 दिन इस अपडेट को टेस्ट कर सकते हो, आपको अगर अच्छा लगे तो आप रख सकते हो, नहीं लगे तो डाउनग्रेड कर सकते हो, वीडियो हमेशा अवेलेबल है डाउनग्रेड की। अब सवाल आता है कि क्या आपको iOS 18 अपडेट करना चाहिए। वेल, अगर आप हार्डकोर BGMI गेमर हो तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन ये होगा कि थोड़ा वेट करो, हीटिंग और बैटरी इश्यूज जो अभी इनिशियल स्टेजेस में दिख रहे हैं वो शायद स्टेबल अपडेट्स में फिक्स हो जाएं। लेकिन अगर आप कैजुअल गेमर हो जो ज़्यादा हैवी सेशंस नहीं खेलते हो, देन यू कैन गो अहेड विद द अपडेट एंड एंजॉय iOS 18 न्यू फीचर्स। और अगर इश्यूज ज़्यादा फेस कर रहे हो या गेमिंग एक्सपीरियंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो आप डाउनग्रेड का ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। अभी iOS 18 में मेरे को ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले, अभी कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स आए भी नहीं है, पहले के तरह सेम टू सेम हर चीज़ है, बट थोड़े थोड़े एनिमेशंस में चेंजेस मिलेंगे आपको। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एप्पल को बहुत लेट याद आई जैसे कि कैमरा में पॉज बटन देना वो अब कर दिया है। और गेम्स के लिए क्या करा अगर उसकी बात करें तो अभी iOS में पहली बार आपको गेमिंग मोड देखने को मिलेगा जिसमें आप कोई भी गेम खेलोगे तो वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, और वो गेम मोड का काम यही है कि आपको गेम में 100% आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मिल पाए, बाकी गेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक अच्छी चीज iOS 18 के अंदर मिल गई है और बाकी कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं आए हैं जैसे कि iOS 17 में हमको बहुत सारे बग्स देखने को मिल रहे थे। और एक और इश्यू चल रहा है ग्रीन लाइन वाला, अपडेट करने के बाद डिस्प्ले ही खराब हो जा रही है, तो मैंने 3-4 केसेस ऐसे सुन लिए हैं और इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक फुल वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा तभी आपको पता चले। बाकी ये जो ग्रीन डिस्प्ले वाला इशू है ना ज्यादातर 13 सीरीज के अंदर हो रहा है, तो 13 वाले यार थोड़ा सा देखभाल के ही करना अपडेट को, मैं तो कहता हूं अभी के लिए मत करो। और बाकी जिनके पास लेटेस्ट फोन है जैसे कि 15-14 तो वो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हो iOS 18 का, और अच्छा ना लगे तो डाउनग्रेड भी कर सकते हो, वीडियो देख लेना पड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिनके पास भी आईफोन है और उनको अपडेट करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वो ये वाली वीडियो देख के कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर से बताना आपने iOS 18 अपडेट किया या फिर नहीं और आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये तो मैंने iPhone 15 प्लस पे टेस्ट करके आपको बताया, हो सकता है कि आपके फोन पे और ऐसा चल रहा हो या फिर और बेकार चल रहा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो बस यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।